नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। कई महीनों से सरकार, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर अटैक कर रही है। अटैक मूलतः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से हो रहा है। ये कहा जाता है कि जो जजेस को चुनने का जो तरीका है उसमें फेरबदल होनी चाहिए। फिर ये कहा गया कि जुडिशियरी के पास हक नहीं होना चाहिए कि जो कानून पार्लियामेंट या संसद पास करे उसको डिसाइड करे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। कहा जाता है कि सरकार के पास मैंडेट है, पार्लियामेंट के पास मैंडेट है, जज तो चुन के नहीं आते। लेकिन ये तो हमारी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ द रिपब्लिक है उसको तो अंडरमाइन करता है। अभी कुछ दिनों से एक बात ये भी सुनने को आ रहा है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इस नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक सडनली दोबारा हमारे राजनीतिक के मतलब डिस्कोर्स में वापस आ गया। ऐसे तो हिंदुस्तान में मतलब ढांचे को लेके बहुत राजनीति होती रही है, उसके बारे में अलग बात करेंगे कभी। और बात यह है कि ठीक 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में, जिसके तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एक तरह से फॉर्मुलेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास सारे अधिकार हैं संविधान के संशोधन करने के लिए, लेकिन जो मूल आधार है, जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं कर सकते। 50 साल बाद उस पे अटैक हो रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं। क्यों महत्वपूर्ण है हमको बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस के बारे में जानना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चीज को बहुत सरलता के साथ समझाने का काम करेंगे। हमारे बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संजय हेगड़े जी। तो संजय जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आपकी तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ा सा लाइटर वेन में, जब आपसे सबसे पहली बार इस चर्चा की थी इस कार्यक्रम में, आप बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, बहुत ही जटिल लीगल फ्रेमवर्क को कैसे समझाएंगे, तो आपने कहा था कि एक ही दिन 24 अप्रैल 1973 को हिंदुस्तान में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो एक के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, दूसरा क्या है और क्यों है, उससे शुरुआत करते हैं। उसी दिन बंबई के एक नर्सिंग होम में एक शख्स पैदा हुआ था जो आगे जाकर हमारे पूरे देश को एक साथ जोड़ लिया था अपने बैटिंग से। उसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था और यहाँ अभी अप्रैल 24 को उनके 50 साल पूरे हो जाएंगे। 50 साल सचिन तेंदुलकर के, 50 साल बेसिक स्ट्रक्चर के, और कल ही अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल में अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन बात यह है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के हर क्रिकेट प्रेमी को एक खिलाड़ी में अपनी पहचान, अपनी सिंबल दिखाई दी, उसी तरह से समझाइए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल इशू, बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, जो बहुत लंबे सिरे से सुप्रीम कोर्ट में चलती आई, पहले गोलखनाथ केस था, उसके पहले शंकरी प्रसाद केस था, जजेस की मात्रा बढ़ती गई, 5 जज बेंच से 11 जज बेंच हुआ, फिर 13 जज बेंच हुआ, फाइनली जाके बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट हुआ। तो जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, थोड़ा संक्षेप में जरा समझाने की कोशिश करिए कि क्या मतलब था। देखिए, हमारे संविधान में सरकार को यह हक है कि संविधान में संशोधन लाना, और संविधान की कोई ऐसा पार्ट है जिस पर संशोधन नहीं ला सकती है या बदल नहीं सकती है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक जमाने में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था,
तो वो जो फंडामेंटल राइट था, ये जब सरकार उन दिनों में जमींदारी एबॉलिशन कर रही थी, लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी, तो सारे कोर्ट में पहुंच जाते थे कि हमारा जो मूल अधिकार है प्रॉपर्टी पर, ये उसको खारिज किया जा रहा है। तो जो प्रॉपर्टी वाले राइट्स थे उसको हर बार संशोधन करते करते चले आ रहे थे और हर चुनौती आ रही थी। फिर आपने गोलकनाथ का जिक्र किया जी, गोलकनाथ जजमेंट में 11 जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया कि जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको पार्लियामेंट उस पर कोई संशोधन नहीं ला सकते हैं। पार्लियामेंट के पास हाँ पावर है संशोधन का, पर संविधान में कुछ ऐसे रूप है जिस पर संशोधन हो ही नहीं सकता, जैसे मूल अधिकार जी। तब ये सवाल फिर बाद में 13 जजों के सामने गया था जी। क्योंकि उस जमाने में आपको याद है कि इंदिरा गांधी जी तब गरीबी हटाओ और बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स अबॉलिशन, वैसे सारे चीज कर रहे थे, हर बार ये राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आ रहा था। तब ये केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट के 13 जज के बेंच ने सुना, जो सब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट पे थे 13 के 13 जज, उन्होंने उनका एक खंडपीठ बना और उन्होंने सुना, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए उनमें 11 अलग अलग जजमेंट आए, पर 6 जजों ने ये कह दिया कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है और अगर वो संशोधन करना चाहती है तो सभी जगह संशोधन कर सकती है। दूसरे 6 जजों ने कहा कि नहीं, संशोधन कर नहीं सकती है, उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस है जी। और 7वें जज थे जस्टिस H.R. खन्ना जी। जस्टिस H.R. खन्ना के जजमेंट में ये एक फॉर्मुलेशन आया, संशोधन का मतलब क्या है। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे ढांचे को गिरा सकते हो, ध्वस्त कर सकते हो और दूसरा कुछ बना सकते हो। संशोधन का मतलब वही है कि आप सिर्फ थोड़ा बदल सकते हो और थोड़ा चेंज कर सकते हो, और जो बेसिक, जो उसके मूल बुनियाद है, उसको आप निकाल नहीं सकते हो। अब मैं एक आर्किटेक्चरल उदाहरण से अगर समझाने लगूं जी, कई सारे जगह ऐसे है जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होते हैं जी, उसको जैसे आपने पाया था वैसे ही रखना पड़ता है। आप उसमें थोड़ा एक विंडो शायद बड़ा कर सकते हो, एक छोटा सा बालकनी या कुछ कर सकते हो, पर जो मूल रूप है उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो हमारे संविधान में भी कुछ बुनियादी तत्व है जिसको चाहे कोई भी हो, पार्लियामेंट में कोई भी मेजोरिटी हो, वो जो मूल रूप है उसको, उस पर संशोधन नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ प्रावधानों के तक सीमित नहीं है, बिल्कुल आइडिया जो सीमित है, जैसे सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का एक अंग बताया गया है जी। क्यों हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से एक का सिर्फ धर्म पे सिर्फ धार्मिक राज्य तक हम नहीं संशोधन नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसे बना सकते हैं जी। तो सेक्युलरिज्म के अलावा और क्या बेसिक स्ट्रक्चर के हम हिस्से मान सकते हैं, अगर हम किसी को समझाएं कि हमारे संविधान में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको केशवानंद भारती केस के अंतर्गत कभी नहीं बदला जा सकता। आपने सेक्युलरिज्म की बात बताई, तो क्या डेमोक्रेसी भी उसी में है और क्या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, यानी जो 6 जज और जस्टिस खन्ना थे 7वीं जज,
और उन्होंने कई कई चीजों का उदाहरण दिया जी। तो सेक्युलरिज्म तो एक उदाहरण था, फिर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समानता, उसको भी इक्वालिटी, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा माना गया है। पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि सिर्फ कुछ लोग ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं और दूसरे नहीं। तो जो जो मूल बुनियादी कॉन्सेप्ट्स है हमारे जो देश जिस पर बना था उसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। कहा जाता है कि 1967 में जब इंदिरा गांधी दोबारा से चुन के आई, मेजॉरिटी बहुत कम थी, उसके बाद उनको कई सारे एक के बाद एक लीगल सेटबैक्स मिले। सबसे पहले तो गोलकनाथ केस में जजमेंट आया कि पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट करने का। उसके बाद प्रीवी पर्सेस का जजमेंट आया जो उनके खिलाफ गया, बैंक नेशनलाइजेशन का भी जजमेंट आया जो उनके खिलाफ गया। उसके बाद 69 ऑनवर्ड्स दोबारा से पार्टी में स्प्लिट हुई, फिर फाइनली जाके उन्होंने चुनाव कराया, मध्यवर्ती चुनाव कराया 1971 में, फिर पॉलिटिकली स्टेबल हो गई। उस समय उनके मंत्रिमंडल में एक नेता थे कुमार मंगलम जी, जो जिनके बेटे बाद में नरसिम्हा राव के सरकार में रहे और अल्टीमेटली जाके भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे। उनके परिवार के कई लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट उभरा था उस समय कमिटेड जुडिशियरी का, जिसको लेके उस समय की जो इंटेलिजेंसिया थी बहुत ही बेचैन हो गई थी, क्योंकि ये एक तरह से पूरी जुडिशियल प्रोसेस और जुडिशियरी को अंडरमाइन करने का आर्ग्यूमेंट था। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहते हैं, और क्या आपको आज के युग में जिस तरह की जो प्रेशर, जिसपे मैं इंट्रोडक्शन में रेफर कर रहा था, जो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जो बातें बोली हैं, या जो किरण रिजिजू लगातार पिछले सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स बोलते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ पैरेलल्स कमिटेड जुडिशियरी ऑफ इंदिरा गांधी टाइम और अभी जो मांग की जा रही है जुडिशियरी को क्या करना चाहिए, कुछ पैरेलल्स नजर आते हैं आपको? जी, काफी पैरेलल्स नजर आते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के पैरेलल लेफ्टिस्ट था और आज के जो पैरेलल है वो राइटिस्ट है जी। तो उस जमाने में मोहन कुमार मंगलम जब कमिटेड जुडिशियरी की बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये बहुत सारे जो केस सरकार के खिलाफ फैसला हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उस समय के जज थे वो सब पैसे वालों क्लास से आए थे। उनका जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर या थोड़े बहुत जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ओर कोई कमिटमेंट नहीं था। मोहन कुमार मंगलम का ये कहना था कि सिर्फ वैसे ही जजों को जज बनाया जाना चाहिए जो आइडियोलॉजिकली उस जमाने के गवर्नमेंट के साथ हो। तो उनके कमिटेड जुडिशरी के उदाहरण में जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे जी, जो ईएमएस संबुद के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में मंत्री रहे थे जी। तो थोड़े बहुत जो लेफ्टिस्ट जजेस थे उनको अपॉइंटमेंट करने का एक मुहिम चला था, और ये मुहिम चलाते एक लोगों दूसरे जजों को भी ये एक अंदाजा सा दिया गया था कि अगर आप सरकार के जो पॉलिटिकल फाइट्स में आप उनके साथ नहीं रहेंगे कोर्ट में तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही केशवानंद भारती केस के बाद, केशवानंद भारती केस का फैसला आया था सुबह में जी, और शाम तक क्योंकि चीफ जस्टिस सिकरी रिटायर कर रहे थे और अगले चीफ जस्टिस का अनाउंसमेंट होना था जी, और शाम को अनाउंसमेंट आ गया था कि जो सीनियर तीन जज है, जज जो थे तब के,
जस्टिस शेलट, जस्टिस हेगडे और जस्टिस ग्रोवर, उनको उनको साइड करके सुपरसीड करके, हाँ उनको सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस बनाया जी। तो जस्टिस ए एन रे उन जजों में थे जिन्होंने जिन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया था। तो उस जमाने के एक बड़े मशहूर वकील थे सी के दफ्तरी जी। तो दफ्तरी साहब ने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा जो सबसे अच्छा निबंध लिखा है उसको पहला प्राइज मिला है। तो द बॉय हु रोट द बेस्ट एसे गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो आज के जमाने में भी हमें कभी लगता है जब वो उपराष्ट्रपति जी बोल रहे हैं या कानून मंत्री बोल रहे हैं कि ये जजों को अपनी सीमा में रहना चाहिए और अगर सीमा से बाहर जाए तो अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो भी वही कह रहे हैं कि अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं, सरकार के खिलाफ अगर आपके फैसले आते हैं तो हाँ ये तो लगता है कि उनकी तरक्की नहीं होगी। आप पिछले दिनों में आपने ये देखा होगा कि जैसे जस्टिस अकिल कुरैशी जी जो गुजरात के थे और अच्छे जज माने जाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाए जी। वैसे ही जस्टिस मुरलीधर है जो आजकल ओडिशा के चीफ जस्टिस है जी, शायद सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए था अब तक, पर अब तक आए नहीं है। तो अगर जुडिशरी सरकार का साथ दे तो उनके लिए सब कुशल मंगल रहता है, और अगर सरकार का साथ ना रहे तो आजकल के जमाने में ना सिर्फ प्रमोशंस का बात है, कभी कभार अपॉइंटमेंट्स भी होते नहीं है, और आजकल तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होता है और बहुत तरीके के दबाव लाया जाता है। आप जो बोल रहे हैं, मैं एक स्टेप आगे और जा रहा हूं। इधर पिछले दिनों एक और बात पे बहुत चर्चा हुई है कि इस सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग्स या फिर उनको कुछ पद देने, जो जजेस हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उनके बारे में भी एक तरह से मैसेजिंग होती है कि अगर आप सरकार के फेवर के जजमेंट्स में शरीक हों या फिर आप उसको प्रमोट करें तो फिर आपकी आपको देखभाल किया जाएगा, आपको कोई अपॉइंटमेंट अच्छा दिया जाएगा। हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अयोध्या की विवादित जजमेंट के समय चीफ जस्टिस थे, उसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। अभी हाल में कुछ दिन पहले एक और रिटायर्ड जज को कहीं गवर्नर के तौर पे भेजा गया। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो जो लोग इनके फेवर में जजमेंट नहीं दे रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं होती है, दूसरी तरफ ये भी साइमल्टेनियस मैसेजिंग हो रही है कि अगर आपने हमारे हित में कोई जजमेंट दिया या फिर आपने कुछ काम किया तो फिर आपके रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपके साथ है, आपका देखभाल करेगी। तो क्या इस तरह से मैसेजिंग करके पूरी जुडिशियल प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है वो एक तरह से ढांचा रहते हुए हॉलो आउट हो जा रही है? बिल्कुल हॉलो आउट हो जा रही है, और लोग यही कहेंगे ना सर, आपको जज कहें या राज्यपाल जी, तो वैसा भी हो रहा है, तो और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और इसका समाधान मैं समझता हूँ जजों के हाथों में है। जजों को सब मिल बैठ के, जब वो जज है, कोई ऐसा फैसला लेना है कि रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा जॉब नहीं करेंगे कुछ 2-3 साल के लिए जो चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन से ना हो। देखिए बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं जहां रिटायर्ड जज का जरूरत है जी, और वहां सब चीफ जस्टिस कंसल्ट हो जाते हैं और कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है,
पर ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है, जैसे गवर्नर, जैसे कोई राज्यसभा या लोकसभा भी चाहे, ये सब इन सब में जाना जजों को शोभा नहीं देता है। और जो फिलहाल जजेस है उनको कोई रेजोल्यूशन करना चाहिए, जैसे कि रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज करके बैंगलोर डिक्लेरेशन था, वैसे ही कोई डिक्लेरेशन आना चाहिए जजों से। अगर हम रीसेंट पिछले कुछ महीनों के घटनाओं को देखें, तो सबसे पहले तो उपराज्यपाल ने दिसंबर के महीने में एक मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात, जो उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियरी ने कैसे स्ट्राइक डाउन किया, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन था NJAC, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना गलत था। उन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकता है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अटैक को एस्केलेट करते हुए उसके बाद कहा कि आपके पास मैंडेट नहीं है, मैंडेट पार्लियामेंट के पास है। तो अगर हम बात करें कि मैंडेट की बात, ये जो आर्ग्यूमेंट है, चूंकि हम चुन के आते हैं, मेरे पास अनफेटर्ड राइट होना चाहिए टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट चूंकि कोई जज चुन के नहीं आता है, उनके पास कोई राइट नहीं है टू सिट ऑन जजमेंट कि हमने जो संशोधन किया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लीगल पर्सपेक्टिव से इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि धनखड़ साहब भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लॉयर रहे हैं। जी देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी हमारे जब सुप्रीम कोर्ट में थे, हमसे हमारी ठीक सी दोस्ती थी, पर यहां वो बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब संविधान के तहत काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में जो चुन के आते हैं उनका काम है लॉ बनाना, और जो अपॉइंटमेंट्स वो करते हैं कोर्ट्स में, जो जिन वकीलों को और दूसरे जजों को जो जज बनाते हैं, उन जजों का काम है संविधान को संभालना और संविधान को इंटरप्रेट करना। जी तो मैंडेट आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, सिर्फ क्योंकि आप चुन के आए हो, 5 साल के लिए आए हो, उसका मतलब नहीं है कि उस 5 साल में आप संविधान की धजिया उड़ाओ। जैसे वो राहत इंदौरी साहब ने कहीं लिखा था ना कि किराएदार है सब, जाति मकान थोड़ी है। तो हम तो चाहे जज हो चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, हम सब संविधान के किराएदार है। हमको एक एक जिम्मा दिया जाता है और उस जिम्मे को निभाते हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, और सबसे ऊपर संविधान। तो आपको क्या लगता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो पोस्टुलेट हुआ था उसमें जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बिल्कुल मतलब ऐसे पॉइंट हैं जिन पे कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते कभी? यानी आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? जी आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर जुडिशियल रिव्यू ना हो, यानी अगर सरकार कहीं गलत करे तो कोर्ट उस पर निगरानी ना रखे, या जो आप कैसे कोर्ट बनाना चाहते हो जहां इंडिपेंडेंट जजेस ना रहे, सिर्फ सरकार के चापलूस रहे? जी। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी और जुडिशियल रिव्यू दोनों ही हमारे संविधान के मूल ढांचे में आता है, और इनको बदलने का काम कोई पार्लियामेंट्री मेजोरिटी नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो कोर्ट उसे असंवैधानिक मान लेगा, जैसे NJAC में हुआ था। NJAC में भी वही हुआ था कि सरकार ये चाहती थी कि जजों की नियुक्तियों में
जो एग्जीक्यूटिव है उनका बोल बाला हो जी। तो उसी कारणवश जो बेंच का जजमेंट था उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं एनजेएससी, ये एनजेएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ सरकार को हक है दूसरे कोई सिस्टम लागू करना या दूसरा कोई लॉ बनाना, पर ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पर कोई आ जाए। संजय हेगड़े जी, अभी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, अभी कुछ ही दिन पहले इसराइल में काफी कुछ घटनाएं हुई थी जो एक तरह से हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है जिसके बारे में पिछले कई लगभग आधे घंटे से लोग बात करते आ रहे हैं तो एक तरह से मिरर करता है उसके उस इशू पे। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, हमारे न्यूज क्लिक पे ही एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स नजर आते हैं। वही जजेस की अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, कोर्ट्स नहीं करेंगे, जजेस का रोल नहीं होगा, वहां पे भी एक बेसिक स्ट्रक्चर किस्म का एक बेसिक लॉ के नाम के एक चीजें हैं। लेकिन वहां पे देखने को मिला कि पब्लिक प्रेशर की वजह से इतना जन आंदोलन खड़ा हो गया कि वहां पे सरकार को इसको कम से कम स्थगित किया गया। ये तो पता नहीं कि परमानेंटली वापस होगा या नहीं होगा, लेकिन स्थगित किया गया। तो हिंदुस्तान में अभी उस तरह का कोई पुशबैक नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि जुडिशियरी की तरफ से क्या आपको लगता है थोड़ा पुशबैक हुआ है? ये जो एक प्रथा बन गई थी कि सील्ड एनवलप में सरकार अपना देता है उसको रद्द किया गया है। जनरली स्पीकिंग मुझे कई लोगों को लगता है कि शायद जुडिशियरी ये जो स्ट्रैंगुलेट करने की जो एफर्ट्स हैं उसमें वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है? जी, ये जो जुडिशियरी है जी, जो फिलहाल का जो कंपोजिशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से जुडिशियरी देखते आए हैं और जिनको पता है कि कैसे कैसे थ्रेट इंड्यूसमेंट या प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी तभी केशवानंद भारती जजमेंट में एक जज थे। अगले चीफ जस्टिस जो बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना उनके चचा जस्टिस एच आर खन्ना थे जी। तो ये जो सब आजकल जो हो रहा है उनके लिए बिल्कुल नया चीज करके तो नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी पता है कि उस जमाने में क्या हुआ था और उनको शायद ये भी थोड़ा एहसास हुआ है कि उस जमाने में अगर कुछ और किया गया होता जी तो शायद इतना दबाव नहीं बनता। हाँ संजय जी, हम लोग बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि जो एक तरह से पुशबैक का सेंस मिलता है जुडिशियरी की तरफ से, सील्ड एनवलप दिए जाते थे उस पर उन्होंने रोक लगा दी, अब सरकार एक पर्टिकुलर केस में जो सेम मैरिजेस वाला केस है उसमें भी सरकार बोल रही है कि आप तमाम स्टेट्स को इन्वॉल्व करो, आगे क्या जुडिशियरी का रिएक्शन होगा देखना पड़ेगा, लेकिन काफी फर्म रही है जुडिशियरी। बिल्किस बानो केस में सरकार अपनी तरफ से अपील करेगी, दोबारा उन्होंने बोला है कि हम फाइल नहीं दिखाएंगे, तो वो एक और तरह का एक आम लोगों को लगता है कि कन्फ्रंटेशन का माहौल बन सकता है। तो इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं कि शायद उतना इजी नहीं हो पा रहा टू गेट अ कमिटेड जुडिशियरी जैसे बीच में लगा था कि हो जाएगा? हाँ, बीच में उसे कमिटेड जुडिशियरी नहीं कहूंगा जी, पर बहुत ही रिस्ट्रेंड जुडिशियरी कहूंगा। ओके, कोई कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कमिटेड जुडिशियरी क्यों चाहिए जब कंप्लिसिट जुडिशियरी है। अगर सरकार क्या चाहती है उसके हिसाब से आप जजमेंट दो बगैर कोई आदेश जी, वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि जब इमरजेंसी के बाद अडवाणी साहब ने मीडिया के बारे में एक टिप्पणी की थी, तो कभी कभार बहुत ही एंथुजियास्टिक जजेस भी शायद हुए थे,
जो जो एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट जिसकी बहुत बड़ी मेजोरिटी है उसके कोई भी डिसीजन को ज्यादा जांच पर नहीं करते थे, पर फिलहाल का वे जो माहौल है वो शायद थोड़ा बेहतर है कि हर प्रोसेस के ऊपर एक क्रिटिकल आई है। जैसे कि आप किसी आपने सील एनवेलोप का जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कभी भी सील्ड एनवेलोप नहीं लेंगे हम, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर सील्ड एनवेलोप दे रहे हैं तो फिर पहले हम ये पूछेंगे कि सील्ड एनवेलोप ही क्यों, क्या कोई और तरीका नहीं है, और हम पहले वो सारे तरीके देखेंगे, उसके बाद ही जब कोई उपाय नहीं बचता फिर ही सील्ड एनवेलोप। ऐसा नहीं है कि हर मामले में हर चीज को गुप्त रख सकते हैं। तो हाँ, फिलहाल थोड़ा सा माहौल है कि हर चीज जो सरकार कहती है उसे एकदम से सच माना नहीं जाता है, कभी कभार सवाल पूछे भी जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आम जनता जो है वो ये मानती है कि उनको न्याय कहीं नहीं मिले, लेकिन कम से कम कोर्ट में जाके उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो केशवानंद भारती केस के 50वीं एनिवर्सरी पे आपसे बात करके मतलब काफी कुछ समझ में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट क्या था। तो इन चीजों को समझाने के लिए बिल्कुल सरल तरीके से और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखना, हम उम्मीद भी करेंगे कि जनता की तरफ से भी पुशबैक आना चाहिए इन सब मुद्दों पे, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जिंदगी में भी असर पड़ता है। तो हमसे इन सब चीजों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और आप जुड़े तबीयत ना बिल्कुल ठीक होने के बावजूद उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद।